हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। माय नेम इज हरीश ओझा। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि फंक्शन रिटर्निंग टू और मोर वैल्यूज इन ट्यूपल कैसे, यानी कि एक ट्यूपल आपकी दो या तीन वैल्यू यानी कि और उससे अधिक वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब वो रिटर्न किस तरह से कर सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सपोज कीजिए एक डिफाइन, मैंने फंक्शन डिफाइन किया फंक करके सिंपली, उसके अंदर मैं दो वैल्यू यानी टू वैल्यूज पास करूंगा। ओके, फर्स्ट आपका एन वन, अनदर इज आपका एन टू। आप देखिए यहाँ पे टू नंबर पास होंगे, उन टू नंबर का मैं कुछ ना कुछ करा सकता हूँ। सपोज करो मैंने उसको सब्ट्रैक्शन कराया, एडिशन कराया, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कराया। देखिए मैंने सिंपली किया एड, ओके एड में लिखा एन वन प्लस एन टू, ओके फाइन। नेक्स्ट लगाया सब सब्ट्रैक्शन यानी कि एन वन माइनस के एन टू, फाइन। एंड नेक्स्ट आपका डिवीजन, इक्वल लिखा एन वन डिवाइड, डबल डिवाइड लिख दी है, सिंगल डिवाइड और एन टू, फाइन। नेक्स्ट आपका क्या मल्टीप्लिकेशन यानी कि एन वन मल्टीप्लाई एन टू, करेक्ट। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कुछ ना कुछ चीज वैल्यू है, और इनका ऑपरेशन आप करा के आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। रिटर्न भी जो होगा आपका वो ट्यूपल के रूप में होगा, जैसे सिंपल लिखा रिटर्न, रिटर्न आपका ये ट्यूपल के रूप में जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कैसे, समझिए। सबसे रिटर्न किया एड, फिर कॉमा करके सब, फिर कॉमा करके डिवीजन, फिर कॉमा करके मल्टीप्लिकेशन। आपको मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, जब कॉमा करके कोई वैल्यू होती है तो इसका मतलब होता है वो ट्यूपल होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कहता है एक ट्यूपल ही होता है। ये रिटर्न क्या कर रहा है आपका, रिटर्न आपका ये ट्यूपल रिटर्न कर रहा है आपका। आपको कैसे पता चलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्यूपल प्रिंट करेगा। मैंने सिंपली प्रिंट लिखा, ओके और इसको मैंने फंक्शन को कॉल कराया एफ यू एन सी फंक, और टू वैल्यूज पास कर दी, सो एक 12 एंड अनदर इज 4 मैंने पास किया वैल्यू। अब देखिए आपका आउटपुट, आउटपुट किस तरह से आएगा समझिए। ये देखिए आउटपुट, पहला रखा 16 मतलब पहला फर्स्ट दिया था हमने एड, एडिशन, तो टू नंबर का एडिशन गया। दूसरा 8, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, 12 और 4 का डिफरेंस क्या था आपका, वो था 8। अब 12 डिवीजन क्या आपका, मैंने दिया था 4, तो 12 डिवीजन 4 के हुआ आपका 3.0। पॉइंट जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंगल जो आपका स्लैश होता है वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन दर्शाता है, लेकिन जहां मैं डबल स्लैश किया तो वो इंटीजर डिवीजन दर्शाता है, यानी कि इंटीजर डिवीजन शो करेगा, यानी कि पॉइंट की वैल्यू को शो नहीं करेगा आपका। 48 जब मल्टीप्लाई किया, 12 मल्टीप्लाई 4 किया तो 48 हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि इस तरह से ये आपका टू वैल्यूज या मोर वैल्यूज को आपका रिटर्न कर सकता है। आप इस वैल्यू को रिटर्न किया है, जिस वैल्यू को आप इन वैल्यू को सेपरेटली आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक ही एक ग्रुप में प्रिंट हो रही है, तो आप इसको सेपरेटली प्रिंट कर सकते हैं। वो किस प्रकार से, सबसे पहले इसको मैं हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ। मैंने क्या कहा, एक सिंबल ऑपरेशन वन यानी कि यहाँ पे लिखा एड, अपनी मर्जी से एडिशन लिखा, एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन। आप इस तरह से, मैंने लॉन्ग वेरिएबल बहुत बना दिए, आप शॉर्ट वेरिएबल बना सकते हैं। इक्वल करके मैंने फंक्शन को कॉल कराया फंक सिंपल, और जिसके अंदर मैंने टू वैल्यू पास करा दी आपका, एक 12 एक 3, आप समझ रहे हैं, 12 एंड 6 काफी है। ओके, जब मैं इसको रन करूंगा, रन करने के लिए मेरे को इनको सेपरेटली प्रिंट कराना पड़ेगा, जैसे प्रिंट एडिशन सेपरेटली। मैं सिर्फ एडिशन चाहता हूँ तो मैंने एडिशन प्रिंट करा दिया, मैं आपका सब्ट्रैक्शन चाहता हूँ तो मैंने सब्ट्रैक्शन प्रिंट करा दिया। देखिए ओके, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे लिख दिया मैंने डिवीजन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने मल्टीप्लिकेशन। जब मैंने इसको रन कराया तो आप देखिए क्या बेहतरीन आउटपुट आया है, यानी कि आपका देखिए 18 यहाँ पे पहला आउटपुट रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू मैंने 6 मैंने पहले आपका पास की थी वैल्यू 12 एंड 4, लेकिन अब मैंने 12 एंड 6 पास किया है। 12 और 6 का एडिशन क्या था 18, 12 6 का डिफरेंस क्या था 6, 12 6 का डिवीजन क्या था 2, 12 6 का मल्टीप्लिकेशन क्या था आपका 72। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से एक ट्यूपल हम रिटर्न कर सकते हैं। ये हालांकि रिटर्न कर रहा है आपका ट्यूपल, याद रखेगा यह फंक जो है आपका वो ट्यूपल रिटर्न कर रहा है आपका। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, तो उसमें मैं कई सारी वीडियो की लिंक्स दे दी हैं, जो आपको पसंद आ रही है उस वीडियो की लिंक्स पर आप क्लिक कर सकते हैं, जो आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना काफी है, गुड बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।